दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे प्राइवेट बैंक एंड सरकारी बैंक, इनमें से किस बैंक में खाता आपको खुलवाना चाहिए। तो हम यहां पर आप लोगों को दो चीजों को लेकर के जो सारा का सारा वीडियो है उसमें समझाएंगे। एक तो आपके रखे पैसे पर सुरक्षा कितनी है, ये चीज यहां पर बहुत मान रखती है। दूसरी, आपको सुविधा कितनी मिल रही है, क्योंकि जब आप किसी भी बैंक में खाता खुलवाते हो तो आप कुल मिलाकर के दो ही चीज देखते हो कि जब हम जाते हैं किसी ब्रांच में कितनी सुविधा आपको मिल रही है, या पर हमारे लिए उस बैंक में क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है। दूसरी बात कि हमारा जो पैसा उसमें रखा है वो कितना सुरक्षित है। इसके अलावा हम बैंक अकाउंट में ज्यादा कुछ यहाँ पर नहीं देखते हैं, बस यही दो चीजें अगर अच्छी हैं तो हम खाता खुलवा लेते हैं। तो यही दो चीजों में हम आज बताएंगे आपको तुलना करके कि आपको किस बैंक में खाता खुलवाना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष और आप सभी का हमेशा की तरह फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए आप लोगों को सुविधाओं की बात करते हैं कि सुविधा कहां पर कितनी कैसी मिलती है। तो आप वैसे जानते होंगे कि प्राइवेट सेक्टर की जो बैंकें होती हैं वहां पर जो एम्प्लॉय होते हैं वो प्राइवेट होते हैं। किसी भी संस्था में अगर प्राइवेट जो एम्प्लॉय होते हैं वो अच्छे तरीके से काम करते हैं, उन्हें नौकरी जाने का खतरा होता है। तो हमेशा किसी भी संस्था में जब एम्प्लॉय अच्छे तरीके से काम करेंगे तो कंपनी ऑटोमेटिकली अच्छी बन जाती है, या फिर वो बैंक ऑटोमेटिकली अच्छी बन जाती है। क्योंकि बैंक क्या है, बैंक तो एक नाम है केवल, वहां पर जो चलाने वाले एम्प्लॉय हैं वही उसको मैनेजमेंट करते हैं, और अगर सुविधा अच्छी देंगे तो बैंक अपने आप अच्छा बन जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, प्राइवेट बैंकों में आप लोगों को एम्प्लॉय प्राइवेट मिलेंगे, अगर वहां पर थोड़ी बहुत दिक्कत करते हैं तो उनको चेंज कर दिया जाता है, उन्हें हटा दिया जाता है। उनकी नौकरी है ना वो सुरक्षित नहीं होती है, तो इसलिए उन्हें डर होता है, और जहां पर किसी चीज का डर होता है वो ईमानदारी से काम करते हैं, बिल्कुल लगन से काम करते हैं। और जहां पर आपको नौकरी स्थायी है, परमानेंट है, सरकारी, आप समझते हैं कि गुजारने का खतरा है नहीं, ज्यादा होगा ट्रांसफर होगा, तो इसलिए यहाँ पर जो एम्प्लॉय है थोड़ा सा अपने घमंड या फिर समझ लीजिए आप अपने अंदर में एटीट्यूड में काम करते हैं। तो एक तरह से ये भी इसका जो है नेगेटिव पॉइंट हो जाता है सरकारी बैंकों का। हमेशा आप देखना किसी सरकारी बैंक में आपको ये देखने को मिल जाएगा, जब आप सरकारी बैंक में अपने किसी काम को लेकर के जाओगे तो वहां पर आप लोगों से बोल दिया जाएगा कि अभी लंच चल रहा है, जबकि बैंक में RBI के रूल्स के अकॉर्डिंग बैंक में किसी प्रकार का कोई लंच का टाइम होता ही नहीं है। आप किसी बैंक में जाइएगा वहां पर अगर लंच करना है तो एक एम्प्लॉय लंच करेगा उसकी जगह दूसरा एम्प्लॉय बैठेगा, फिर दूसरा एम्प्लॉय लंच करेगा उसकी जगह दूसरा एम्प्लॉय बैठेगा। खास करके कैश काउंटर पे तो लंच का कोई यहां पर रूल्स है ही नहीं कि आपसे बैंक ये नहीं बोल सकती है कि हमारे बैंक में लंच चल रहा है आप बाद में आइएगा, क्योंकि लंच का कोई प्रावधान ही नहीं है यहां पर। लेकिन सरकारी बैंकों में ये आपको मिल ही जाएगा। लेकिन अभी आप अभी भी देखेंगे प्राइवेट सेक्टर की बैंकों में आपको लंच वगैरह बहुत ही कम यहाँ पर देखने को मिलेगा, और अगर हो भी रहा है तो एक दो एम्प्लॉय वहां पर रहेंगे आपका काम करते रहेंगे, तो ये प्राइवेट सेक्टर की बैंक में आपको मिल जाएगा। सबसे पहला काम तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और चीजों की। तो यहां पर देखिए अगर आपका खाता किसी सरकारी बैंक में है तो सरकारी बैंक में आप लोगों को जो ब्याज है वो कम मिलता है। प्राइवेट सेक्टर की बैंक होती है जितनी भी ICICI बैंक, HDFC बैंक, यहां पर आपको जो ब्याज है वो अच्छा मिल जाता है। दोनों में अगर आप तुलना करेंगे हमेशा तो सरकारी बैंक में आपको ब्याज कम मिलेगा, प्राइवेट बैंक में ब्याज है वो ज्यादा मिलेगा। बहुत सारी बैंकें हैं, IDFC फर्स्ट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो आपको मंथली इंटरेस्ट प्रोवाइड कराती हैं, और वो भी 6-7% तक का। तो ये भी यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं एक यहाँ पर एवरेज जो बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि जो इंटरेस्ट होता है ना वो एक साथ आपको हमेशा एक तरह से नहीं मिलता है। RBI की रेपो रेट एंड रिजर्व रेपो रेट कम ज्यादा होती है तो ब्याज भी थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो हमेशा बदलता रहता है। अब हम बात करते हैं आगे और एक यहाँ पर जो नेगेटिव पॉइंट है सरकारी बैंक का, वो ये है कि आप लोग जब सरकारी बैंक में खाता खुलवा लेते हो तो आपका जो क्रेडिट कार्ड हो गया या फिर कुछ लोन हो गया, प्री अप्रूव ऑफर, तो प्री अप्रूव ऑफर आते हैं ना सरकारी बैंकों में आपको अक्सर ये चीजें देखने को नहीं मिलेगी। आप सेंट्रल बैंक हो गया जो कि क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड ही नहीं कराता है, SBI हो गया, तो आपको जो क्रेडिट कार्ड है ना वो कम देखने को मिलेंगे। इस पर मिलेंगे भी ना तो काफी अच्छे हाई चांस होते हैं ना वो उन लोगों को मिलते हैं जिनका सरकारी नौकरी होती है या फिर किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हो, अच्छी सैलरी आ रही होगी। लेकिन वहीं पर अगर आप देखते हो प्राइवेट बैंक में, एक्सिस बैंक हो गया या फिर HDFC बैंक हो गया, IDFC फर्स्ट बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, इनमें अगर खाता है ना तो इनमें क्या होता है ना आपको प्री अप्रूव ऑफर मिल जाता है। जिसे आप खाते को यूज कर रहे हैं उन्हें लगता है कि अच्छा कस्टमर है तो आपको ऑफर दे देंगे कि आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए लाइफ टाइम फ्री या फिर लोन ले लीजिए, तो ये भी यहाँ पर आपको सुविधा मिल जाती है। अब ऐसा यहाँ पर समझते हैं कि आखिरकार दोनों में इतना डिफरेंस होता क्या है। देखिए सरकारी बैंक होती है तो वहां पर आपको पता होगा कोई भी खाता खुलवा सकता है, जाइए आप फॉर्म भरिएगा और जीरो बैलेंस आपका खाता खुल जाएगा।
प्राइवेट बैंक में क्या होता है, जब आप खाता खुलवाने जाओगे तो वो आपसे पूछेंगे कि आप करते क्या है। अगर आप जॉब करते होंगे तभी आप खाता खुलेगा, या फिर आपको 10,000 रुपए या 25,000 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस बनाकर रखना ही होगा। तो यहां पर ये जो सुविधाएं देती है बैंक आपको तभी दे पाएंगे जब आप उसमें थोड़ा सा बैलेंस रखोगे, समझ रहे। और सरकारी बैंक में कोई भी खाता खुलवा लेगा तो भाई सभी लोगों को एक ही लाठी से चलाते हैं। लेकिन एक बात और करते हैं, सुरक्षा की, कि आपके जो बैलेंस रखा है बैंक में उस पर सुरक्षा कितनी, क्योंकि ये चीज भी बहुत मैटर करती है ना। आपने खाता खुलवा लिया, सुरक्षा की गारंटी कितनी है ये भी पता होना चाहिए आपको। तो यहां पर दो ही बैंक की बात करता हूं ना, सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक, यहां पर जो आरबीआई का रूल्स है ना वो सेम होता है। यहां पर आरबीआई की एक बॉडी होती है, आरबीआई की संस्था है जिसका नाम है DICGC, यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। यहां पर ये जो कंपनी है ये आपके रखे पैसे पर गारंटी प्रोवाइड कराती है, यानी आपकी जो बैलेंस है बैंक में उस पर एक इंश्योरेंस देती है। लेकिन ये इंश्योरेंस की शर्तें होती हैं कि आप जितना भी बैलेंस रखते हो उससे उसे कोई मतलब नहीं होता है, केवल केवल 5,00,000 रुपए तक का अमाउंट है वो आपका सुरक्षित होता है। कोई भी बैंक डूबता है, सरकारी डूबे या प्राइवेट बैंक डूबे, तो आपका केवल 5,00,000 रुपए वापस मिलेगा। आप कितना भी अमाउंट उसमें रख दीजिए, 10,00,000, 5,00,000, 20,00,000, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर यह चीज आप समझनी चाहिए। और बाकी मैं बता दूंगा आप लोगों को कि ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा देखने को। तो कुल मिलाकर के हम बात करते हैं कि ऑल ओवर आपको किस बैंक में खाता खुलवाना चाहिए। तो देखिए, अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र से हैं, आप लोगों के पास किसी प्रकार का आसपास कोई बैंक नहीं है प्राइवेट बैंक, तो आपको सरकारी बैंक में खाता खुलवा लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन है, आप जॉब करते हैं या फिर आप 10,000 रुपए मंथली बैलेंस रख सकते हैं किसी बैंक में, जो भी उस बैंक का क्राइटेरिया है मंथली एवरेज का आप बना कर रख सकते हैं, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपको अधिकांश प्राइवेट सेक्टर की बैंक की ओर जाना चाहिए। प्राइवेट बैंक में ना क्या होता है, प्राइवेट बैंक बहुत अच्छी सुविधा देती हैं आपको, और जो एम्प्लॉय होते हैं ना इनके काफी अच्छे होते हैं, और जो हेल्प होगी ना आपकी ब्रांच में जाकर के वो हमेशा आप लोग SBI से तुलना इसकी नहीं कर सकते हो। सरकारी बैंक में आपकी हेल्प बहुत ही कम होगी ब्रांच में, लेकिन प्राइवेट बैंक के ना वहां पर आपकी हेल्प बहुत ज्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो प्राइवेट बैंक होती है ना इसमें अधिकांश इन्होंने जो अपनी नेट बैंकिंग है या फिर मोबाइल एप्लीकेशन है इसमें आपको सारी सुविधा मिल जाती है, तो प्राइवेट बैंक में आपको जाने की जरूरत बहुत ही कम पड़ती है, इसलिए यहां पर भीड़ कम होती है और आप लोगों को बड़ी आसानी से यहां पर जो है कोई भी काम हो जाता है। सरकारी बैंक में आपको बहुत ही कम सुविधा मिलती है, इसलिए यहां पर लाइन लगी मिल जाएगी, तो भाई आप लोग अगर इतना झेल सकते हो तो आपको खुलवाना चाहिए। पर्सनल अगर अपनी बात करता हूं तो मैं तो सरकारी बैंक से बिल्कुल दूर रहता हूं, और आप लोगों को यही डर था कि मेरा पैसा सरकारी में सुरक्षित ज्यादा रहता है, प्राइवेट में कम सुरक्षित रहता है, तो बता दिया आपको कि दोनों में सेम यहां पर कंडीशन लागू होती है, तो फिर डर किस बात का। जो लोग सोच रहे हैं कि सरकारी बैंक डूबता नहीं है प्राइवेट बैंक डूब जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल तो उल्टा होता है, सरकारी बैंक डूब जाएगा लेकिन प्राइवेट नहीं डूबेगा। क्यों नहीं डूबेगा, क्यों कि प्राइवेट बैंक है ना वो लोन देता है ना सोच समझ के देता है, और अक्सर जो बैंक डूबता है सबसे बड़ा कारण होता है इसका लोन, दूसरा कारण होता है इसका शेयर मार्केट का गिरना। तो जो सरकारी बैंक में होती है ना उनमें तो लोन आप पता होगा कि दलाली से मिल जाता है, कुछ को दला देंगे इधर उधर, लेकिन प्राइवेट बैंक में क्या होता है ना कि प्राइवेट बैंक में एक क्रेडिट स्कोर चेक किया जाएगा आपका बिल्कुल, और वहां पर प्रॉपर तरीके से सबको देखा जाएगा, उसके बाद ही आपको लोन मिलेगा। तो सरकारी बैंक में प्राइवेट बैंक में अब डिफरेंस बहुत ज्यादा हो चुका है, और अब आपको पता होगा कि प्राइवेट बैंक में सिर्फ और सिर्फ यहां पर आपको लोन ही नहीं मिलता है, वो लोग बहुत तरीके से पैसा कमाते हैं, तो डूबने के चांस यहां पर बिल्कुल भी नहीं होते हैं। किसी भी बैंक में अब डूबने के चांस बिल्कुल भी नहीं है, और थोड़ा बहुत अगर होता भी है क्रेश इधर उधर तो आजकल तो कंपनियां हैं हमारी भारत पे, फोन पे, गूगल पे, तो इनके पास इतना टर्नओवर है कि ये लोग बचे संभाल लेती हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट कर देती हैं और ये हिस्सेदारी खरीद लेती हैं, तो अब आजकल कोई बैंक नहीं डूबता है, तो इस बात का तो आपको टेंशन लेना ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, खाता आप खुलवा लीजिए कोई सी बैंक में, सुविधाएं आपको चाहिए तो प्राइवेट सेक्टर के बैंक में जाइए, ICICI, HDFC या फिर कोई कोटक महिंद्रा। लेकिन अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है, आप मंथली एवरेज बैलेंस नहीं रख सकते हैं, तो आप सरकारी बैंक में खाता खोल सकते हैं।